नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम एंड आई एम सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के डेट सेटअप को और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो जल्दी से इसे यहीं पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं, कल यहाँ पे यूएस मार्केट में हमें डाउ, S&P 500 और नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखा, जिसके बाद हम क्रूड ऑयल को $63 के नीचे और गोल्ड को अराउंड $1737 पे यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर रुपी के मुकाबले 74.4 के लेवल के ऊपर आ चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे आज आपको एशियन मार्केट में एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम सिंगापुर बेस्ड एसजीएक्स निफ्टी को 14,911 पे, जबकि निफ्टी का जो करंट फ्यूचर है उसे अराउंड 14,922 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं, जिसे देखते हुए आज आपको निफ्टी यहाँ पे 14,900 का लेवल फिर से यहाँ पे रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद एडीआर लेवल्स पे हमें HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, इंफोसिस और डॉक्टर रेड्डी के केस में आपको एक मार्जिनल सेल ऑफ भी दिखाई दे सकता है, जबकि कैश मार्केट में आपको यहाँ पे आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से फिर से यहाँ पे नेट फंड इनफ्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हम करंटली निफ्टी का जो मंथली फ्यूचर है उसे अराउंड 14,880 के ऊपर देख सकते हैं, जबकि इसका पुट एंड कॉल रेशियो अराउंड 1.69 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आज आप निफ्टी को 14,850 के ऊपर यहाँ पे अपना ओपनिंग देता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे रिसेंटली वेदांता ने अपना मार्केट में ओपन ऑर्डर ऑफर यहाँ पे इशू किया था, जिसके बदले इसने 65.1 करोड़ शेयर्स को मार्केट से खरीदने का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट जारी किया। तो इस ऑफर के बदले कंपनी को अराउंड 37.42 करोड़ का शेयर्स यहाँ पे ऑफर में बिड होता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस इशू का अराउंड 57.49% है। और यहाँ पे पर शेयर कंपनी 235 रुपी अपने शेयर होल्डर्स को पे करने वाली है। यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे भारती एयरटेल के साथ अपना एक डील साइन करने जा रही है, जिसके देखते हुए आगे ये भारती एयरटेल के लिए टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके बाद अगर बात करें भारती एयरटेल के बारे में, तो रिसेंटली इसने अपना इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT प्लेटफॉर्म को एंटरप्राइज सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके वजह से अगले कुछ क्वार्टर से आपको इसका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद मुथूट फिनांस मार्केट से अराउंड 1600 करोड़ का अपना एक फंड रेज करने जा रही है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे होने वाला है, तो आपको इसमें NCDs यहाँ पे मार्केट में इशू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये इशू आपको 8 अप्रैल से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे 29 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे अशोक लीलैंड ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपना दो सब्सिडियरी को लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड और OHM ग्लोबल मोबिलिटी लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का जो कि IPO इशू है उसे 13.33% के डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है, और इसका जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है वो है 125 रुपी का। यहाँ पे IRCTC ने रिसेंटली लखनऊ और न्यू दिल्ली में के बीच चलने वाले तेजस एक्सप्रेस को यहाँ पे 30 अप्रैल तक यहाँ पे टेम्पररीली सस्पेंड किया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे आज भी आपको IRCTC के स्टॉक में थोड़ी बहुत सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर अपना सेल ट्रेड आगे के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप प्लान के डिटेल्स भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जहां पे हम मॉडल पोर्टफोलियो के साथ आपको मल्टीबैगर और स्विंग ट्रेड्स का सारा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइन कीजिए अगर आपको उन सब के बारे में जानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।